हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही हैं गंगा जी, क्या आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हैं या कम हैं, या 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही हैं। हमारे अनुमान से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नहीं चल रही हैं, ये उससे अधिक की रफ्तार से चल रही हैं हमारी गंगा जी। हेलो फ्रेंड, ये देख सकते हैं कितना ये खुला हो गया। ज़्यादा किनारे पे भैया चलते नहीं हेलो फ्रेंड, ये देख सकते हैं हम लोग संगम पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, जो माघ मेला है ये। हाँ। सभी लोग अपना अपना फोन रखे रहे हैं ताकि चोरी ना हो। अब चोरी होगा तो हम नहीं जानते भाई। हाँ, हमसे ना कह देना कि हम संगम आए थे तुम्हारे यहाँ, फोन चोरी हो गया। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे ये लोकल लोग होंगे जो बाइक से आ रहे हैं। हाँ, ये बाइक से आने वाले लोग लोकल हैं और ये जो पैदल यात्रियाँ हैं ये दूर दराज से लोग, दिल्ली जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ पे आते हैं। अभी हम दिखाते हैं कितना तेज आ रहा है यहाँ पे, अभी पीपापुर के चलते हम लोग ये देखिए भाई साहब, भाई साहब ये कौन सा सांप है? ये अजगर सांप है मेरे बाबू। अजगर सांप? अजगर इतना छोटा छोटा बच्चा है? अभी तो बच्चा है ना है। इसकी लंबाई है जो पाइप पड़ा हुआ है जमीन में, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई इतनी मोटाई होती है। इसको क्या खिलाते हो? ये इसको चावल का माड़। हाँ, जो चावल उबलता है उसका पानी है। रखे हो क्या चावल को? नहीं, यहाँ नहीं है। तो फिर अभी भूख लगेगी तो क्या खिलाओगे इसको? अभी इसको पानी पिलवा दूंगा। ये तो अत्याचार है फिर। अभी चूहा मेंढक नहीं खा पाता है। ये तो जानवरों पे अत्याचार कर रहे हो तुम। कोई अत्याचार नहीं है। और पानी पिला के इसका भूख मिटाओगे तुम, बताओ? चूहा ये खाए, मेंढक ये खाए। छोटा बच्चा थोड़े होता है। कितना केजी का होता है? ये तो अभी एक महीने का बड़े बाबू। पाँच साल के अंदर कोई इसको जितना बड़ा पहलवान है कोई उठा नहीं पाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा ऊंचा होता है। देखो ये भूख के मारे एकदम सुस्त हो गया है, उसको खिलाया नहीं हो। इसकी बॉडी भी एकदम, वो तो बच्चा है, वो तो ऐसे ही रहता है। बच्चा ऐसे कैसे रहता है यार? अभी तो बच्चा है ना। ये जानवरों पे अत्याचार कर रहे हो? कोई अत्याचार नहीं बाबू, इनको कसम दे। ये सीता फल है, दिखाया नहीं क्या? अब परजुम निकल रहा है, ये देख सकते हैं। ये पूरा कैंप लगा हुआ है। ये कैंप कैसे लगा यहाँ पे? ये कैंप सरकारी कैंप है, इसमें जो दूर दराज से लोग आते हैं प्रवासी, उनके प्रवासियों के लिए होता है ये कैंप है। और ये सरकार व्यवस्था करती है यहाँ पे। इन कैंपों में शौचालय का भी व्यवस्था है, रहने का, और खाना आप खुद से एफर्ड करें, खाने का कोई प्रबंध नहीं होता है। भंडारे वैसे चलते रहते हैं, कई संस्थाएं अपनी भंडारा इसमें चलाती रहती हैं, लेकिन खाने का व्यवस्था आप खुद करेंगे इसमें। इन कैंपों को तैयार करने में कितना समय लगता होगा? इन कैंपों को तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक महीने के अंदर ही सारे कैंप तैयार होकर रह जाते हैं, क्योंकि कई एजेंसियाँ इस पर काम करती हैं, एक ही एजेंसी को नहीं दी जाती है ये सब। फॉरेनर भी आते हैं।
ना कौन कर रहा है? चल बन गया भाई। गाइस हम अभी आपको दिखाते हैं कितना ये तेज यहाँ से धारा चल रहा है। इसी के ऊपर ये खड़ा है, ये हम लोग चल रहे हैं पीपा पुल पे। ये जो जूसी का रास्ता जाता है, जूसी का पीपा पुल है, इस पे हम लोग चल रहे हैं जो गंगा जी के बंपर पर बना है ये बांध। यहाँ पर धारा बहुत तेज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा दीजिए, ये आप लोग को हम धार दिखाते हैं कितना तेज से प्रवाहित हो रहा है। गंगा जी की रफ्तार और आगे हम आपको दिखाएंगे। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही हैं गंगा जी। क्या आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हैं या कम हैं, या 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही हैं। हमारे अनुमान से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नहीं चल रही हैं, ये उससे अधिक की रफ्तार से चल रही हैं हमारी गंगा जी। ये पीपा पुल की भीड़ देख सकते हैं आप, ये हम अपने साइड आके आप दिखाएँगे आपको। ये पीपा पुल की भीड़ है, आने वाले लोगों की भी संख्या उतनी ही है और जाने वाले लोगों की संख्या उतनी ही है। ये पीपा पुल केवल माघ मेले में बनाई जाती है, अगले साल तो कुंभ लगने वाला है तो और इससे भव्य मेला है और पीपा पुल बनेंगे। गाइस अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। हाँ ये किनारा है इसलिए यहाँ की रफ्तार कम है। उधर साइड ज्यादा क्लाउड है ना, इधर कम है। अरे हाथा थैंक यू चा, क्या हाल है? और ये हम लोग चलते चलते आ चुके हैं अब झूसी के साइड। ये झूसी है, ये झूसी साइड है। इधर भी श्रद्धालुओं की उतनी ही भीड़ है जितनी संगम के साइड है, आप देख सकते हैं। ये झूसी के साइड की वो क्लाउड है और उधर वो जो है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो संगम के साइड की भीड़ है। Oh,
ये सब दाना है यहाँ पे आएंगे सर, ये सब दाना है क्लिक करवाइए बस, बढ़िया फोटो ना बोला फोटो ए सतेन 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 फोटो क्लिक कर उनका भैया का फोटो क्लिक कर लो सुहाना मौसम हुआ है और हवा के वजह से नाएं नहीं चल रही हैं आज, तो पक्षियों को दाना नहीं मिला इसलिए किनारे पे आके पक्षी आज दाना खा रही हैं, नहीं तो अक्सर ये लोग पूरे नदी के बीचों बीच ये दाना खाती हैं, जो नाविक जाते हैं अंदर वो दाना देते रहते हैं और ये लोग खाती रहती हैं। और कितना अच्छा लग रहा है देखने में और चहचहाट इन लोग कितनी मनमोहक है ये लोग आप देख सकते हैं। साइबेरियन पक्षियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया साइबेरिया से आती हैं हमारे यहाँ भारत के कई हिस्सों में आती हैं ये हिमाचल अरुणाचल प्रदेश का। हेलो देख सकते हैं एक लड़का एक गिरा है जिसका तिरंगा फहरा रहा है। कौन ये था ना मजबूती से बनावल भाई किला ना, इस किले को खड़ा करने के लिए 100 हाथियों के बलि दी गई थी। बलि? हाँ बलि क्यों? जो गंगा किनारे दीवाले हैं वो ठीक नहीं रही, पुल उल बन तो छोट लड़का किरने को के बलि दिया जाता था वहाँ से। ते आगो में पीछे दिखा दिए कि हमारा रास्ता ना देखा। एक मिनट भैया